भारत बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। चीन को पछाड़कर भारत नंबर वन बन जाएगा। ऐसी खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या वाकई भारत चीन को पछाड़ पाने की स्थिति में है? शायद नहीं। चीन को पछाड़ना इतना भी आसान नहीं है, बल्कि इस तरह की बात करना ही इनमेच्योरिटी को दर्शाता है। और ये बात कह रहे हैं RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझना आज बहुत जरूरी है। रघुराम राजन के मुताबिक कोई संदेह नहीं कि भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। कई विदेशी कंपनियां भी भारत आने में अपनी रुचि दिखा रही हैं। लेकिन जहां तक ये कहा जा रहा है कि भारत चीन को रिप्लेस कर देगा, तो इसमें थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारत की इकोनॉमी चीन के मुकाबले बहुत छोटी है। भारत अभी $3.4 trillion की इकोनॉमी है, वहीं चीन $18 trillion से ज्यादा की इकोनॉमी है। इकोनॉमी के साइज से इस अंतर को आसानी से समझा जा सकता है कि भारत को भी काफी फासला तय करना है। बहुत से लोगों को यह फासला काफी बड़ा लगेगा, खासकर नई जनरेशन को। लेकिन पुरानी पीढ़ियों को याद होगा कि एक जमाने में दोनों देश यानी चीन और भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP लगभग बराबर था। 1990 में चीनी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में थोड़ी ही बड़ी थी, लेकिन आज चीन की GDP देखिए, करीब 5.5 गुना बड़ी बन चुकी है भारत से। चीन ने 1978 में और भारत ने 1991 में अपने यहाँ आर्थिक सुधार शुरू किया था, लेकिन दोनों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्ते चुने थे। उस लिहाज से देखें तो चीन ने मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और विश्व स्तर के बुनियादी ढांचों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था, जबकि भारत ने सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। इसलिए शायद चीन को लंबे समय से दुनिया का कारखाना कहा जाता है, जबकि भारत को दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता है। एक और चीन में कई शहर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर काम करते हैं, तो वहीं भारत बैकएंड और IT का काम करने में एक्सपर्ट हो चुका है। अब अगर आज के हालात पर नजर डालें तो अभी चीन कोरोना से ग्रस्त है, अपने जीरो कोविड पॉलिसी के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन जैसे ही सब सुधरेगा तब चीन फिर पटरी पर लौटेगा। फिलहाल चीन की विकास दर 3% के करीब है, तो वहीं भारत इस मामले में बढ़त बनाए हुए है। भारत की विकास दर 7% की रफ्तार से दौड़ रही है। हालांकि भारत की विकास दर 2021-22 के 8.7% के मुकाबले घटी हुई है। अब अगर भारत की विकास दर इसी रफ्तार से दौड़ती रही तो अगले 30 से 40 साल के अंदर चीन को पछाड़ा जा सकता है। लेकिन उससे पहले भारत को अगले 10 साल में खुद को निर्यात आधारित विकास के रास्ते पर लाना होगा, जो काम चीन तो कई दशकों से करता आ रहा है। भारत के पास जो सबसे मजबूत ताकत है इस मामले में, वो है भारत की यंग पॉपुलेशन। ये यंग पॉपुलेशन का मतलब है मजबूत वर्कफोर्स, और यही वर्कफोर्स भारत को नया भारत बना सकती है।